एक भक्ति ऐसी चीज जगत में भजन करे उन्हें बह भी के हरि कीर्तन गाए जाते है। फिर मैं लगात में कह भी के संतोष बराबर धन कोन्या, संतोष नहीं उड़ा सह भी के और भजन करे तो मोक्ष मिले, लोग मोक्ष मिले फिर रह भी के। दादा मांगी राम या लाख चौरासी सब दुनिया ने दुख दे रही है, जीना जो थर मरना सच्चा भाई ना मरने में देरी है। या लाख चौरासी दुख क्यों दे है देखना सजनो, ये सनातन धर्म कहता कि 84 लाख योनिया है, 84 लाख, और इन 84 लाख योनियों में एक इंसान की योनि है जिसको उत्तम चोला कहा जाता है। इसको उत्तम चोला क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक इंसान का ही चोला है जिसमें दो दरवाजे, 84 लाख योनियों में से एक इंसान का चोला है जिसमें दो दरवाजे, एक दरवाजा मोक्ष की तरफ खुलता है, दूसरा दरवाजा वापिस 84 लाख में खुलता है। अरे सजनों, मोक्ष एक ऐसा शब्द है, एक ऐसी चीज है। कबीर साहब से जब पूछा था, कबीर साहब से पूछा कि जी कौन सी आत्मा है जो मोक्ष का अधिकार रखती, तो बंद आंखों से सारी दुनिया का चिंतन करके कबीर साहब ने कहा था कि भाई करोड़ों में नहीं है, सबका त्योर पाटा निमला जी के करोड़ों में नहीं है और अरबों खरबों में एक आत्मा है जो मोक्ष का अधिकार रखती। कैसे मिलेगा ईश्वर? देखिए, जब बच्चे का जन्म होता है तो उसको कहते हैं भगवान स्वरूप बच्चा। क्यों कहते हैं भगवान स्वरूप बच्चा? क्योंकि उसमें काम नहीं है, क्रोध नहीं है, मद नहीं है, लोभ नहीं है, मोह नहीं है, अपने पराये की पहचान नहीं है। ये है भगवान का स्वरूप। फिर इसको उड़ सुए लाओ भर भर के, तू जाट से, तू नाई से, तू धोपी से, तू तेली से, तू ब्राह्मण से, घने साल पाछे बेरा लाग समझिए जो संसार बताओ से, इनका मत चाहिए मारी, इनकी 3 पीढ़ियां का पैर से इनका पढ़ना ही नहीं है। अरे कुछ दिन के लिए मेला देखने आए पर अड़े भी पैर से ना, उन न रहना ना उस न रहना, कुछ दिन आए थे पर पैर से मानस जा क्या मरे से प्योर झूठ में। सबसे पहली ही बोर मानेगा रूप जवानी की, पर निश्चित है एक दिन डर जाएगी। ताऊ बैठा था, ईसाई पैदा थोड़ा होया था, वो बंदड़ा भी बनया था, इन्हें देखनिया भी आए थे, बरात भी चढ़ी थी, अकेला रे बिना जाड़ता था, न्यू ईसाई मूल्य का पैदा होया था, माता ये जोड़े शर का जो कदे बालक भी था, जवानी भी आई थी, पर डर जागी रूप जवानी, ताकत का अभिमान डर जागी, दौलत का अभिमान डर जागी, एक भी तो चीज नहीं जो रहेगी, एक चीज है जो रहेगी वो मानस करता ही नहीं। पता के उठेगा तेरी झूठी बोरी पटाई का, अरे बखत लकड़ी गया ज्ञान होया फिर जीवन की सच्चाई का, भजन बिना पता के उठेगा झूठी बोए बताई का, जीवन की सच्चाई पता के उठेगा झूठी बोर बढ़ाई का, बखत लकड़ी का ज्ञान है जब जीवन की सच्चाई का, पाछे शाणा हो जमाने से देखे पटन का टाइम हो, जब गुसल खाने में बीड़ी पिए जागा, डोली कूद जागा, धक्के खाए जागा, डफर देखे नहीं, और फिर बेरोजगारी के थपेड़े लग गाना, फिर निको होए पट्टे गोनिया ना नौकरी लाग जाए, फिर वो टाइम जा लिया, फिर कौन दाखला दे था, नेता भी सोचे हाय वाह पार्टी ज्वाइन कर ली होने केरा बात बन जाए, पर वो टाइम लकड़ जाए तो दूसरा झंडा ठाए रहे उनकी पास धरना आवे पाछ, अरे काम में
अरे काम पछे जाना हो मानस टाइम जाए देखे इस आदमी का जन्म ही अद्भुत है विचित्र है। एक बूंद से गर्भ ठहर जाता है सजनों और 9 महीने की प्रक्रिया में सारे अंग विकसित हो गए और इस धरती पर पुतला आता। कभी बुद्धि पर जोर करना कोई कारीगर तभी तरसे जो पुतले न गढ़े थे कौन बनाओ से इसने। अरे एक बूंद से खाल भी बने मांस भी बने मज्जा भी बने रक्त भी बने नस भी बने नाड़ियां भी बने और तोर जुलम सा हाड़ भी भीतरे किस रास्ता का ले किसने देखे नहीं पुतला बाहर आज बाहर भीतरे पाए। अरे एटी तो चोटी तंग 206 अरे इसी सेट कर रखी है दाड़ा कोणी में गोल सही है तो गोला बना रखी है। अरे दगोड़े पर कटोरा सही है कटोरी बना रखी है। अरे आंगली तीन तीन चार चार जगह तो मुड़े हैं एक में भी टूट फूट होगी ना ऐसे मत आड्डी जुड़ी क्यों हर दौर में रात सगोने औजारे गोने जिन तो गाली भी अर कि ना घने रुपये लागा ऑपरेशन करा के सूती चढ़वा भी नहीं सारी उम्र ताबे हंडे जा फिर वा चलगी पछवा चलगी वा चीस मारे जागी वा सेटिंग नहीं आओगी जो उसने करके दी थी। क्या है मैं भी ला लियो एक दांत टूट जा तुम सोने का गला लियो जब वो स्वाद आ जाते जो है दांत स्वाद देगा दूसरा नहीं दे सकता उसकी ये सेटिंग है। और देखे नौजवान साथी पेंट पे सारे ब्रह्मांड का छोटा रूप ही ये इंसान है। पृथ्वी जल आकाश वायु अग्नि 5 तत्व से बनया इस शरीर में लोहा भी से तांबा भी से चांदी भी से सोना भी से अभ्रक भी से खनिज भी से सारे ब्रह्मांड का ही छोटा रूप ये इंसान सारी हड्डी सी सेट कर रखी है। ये नौजवान साथी ये जींस की पेंट पर है दुनिया की हरेक मशीनरी हरेक चीज इंसान को देख कर बनी इन्हें न्यू कांग स्ट्रेचेबल पेंट है। हाँ भाई स्ट्रेचेबल के हो रहे न्यू कांग इसने कितना मोटा आदमी पर रो या बद जागी पाटक होने या भी मानस ने देख कर बनाई है। इव न्यू कांग छोरा बोला बदन पड़ रहा सी का कद लकड़े से के बदता से मानस में ये हाट बदते हैं। अरे लिया इतना तो मैं बध गया इतना है और बध जाया खाल पाटक होने क्यों या स्ट्रेचेबल है और बध जाएगी पाटक होने पहली करी क्या कहा एक बूंद से गर्भ बनाया ओ एक बूंद से गर्भ बनाया कारीगर करतार तने 5 तत्व 3 गुणों से यो करया पुतला प्यार तनो 5 तत्व और 3 गुणों से करया पुतला प्यार तने आदमा सकी ईट जचाई आदमा सकी ईट जचाई जब ले खून की गार तने इस 206 का 206 का जोड़ में लाया जब केबर तेजार तने 206 का जोड़ में लाया केबर तेजार तने अरे 9 महीने तक रात देना ओ 9 महीने तक रात देना तेरा चल्या काम चढ़ाई का कोड कैमरा यो ला रहा है इसका भी चार्जर है चार्जर ना हो दे काम ना करे। हर एक आदमी फोन ले रहा है सबका चार्जर है ना तो एक भी फोटो उतारे ना एक भी फोन कर। अरे ये आंखें देखती इसका चार्जर है किसे दो रहे ये राम ने एक बार चार्ज करके खंदा रहा किसे सारा जीवन सारा संसार देखा हूं
आंखें देखती कान सुनते, कभी गौर किया कि कौन देखे सर कौन सुने से? इस शरीर का घमंड मान ले से मानस जन यो है। प्रधान जी ने को सतीश कैसे, इसने को महावीर कैसे, ना अशोक कैसे, न पवन कैसे, न रमेश कैसे, मानस न्यू मान ले सुनो तो न्यू है। अरे ये तो इस दुनिया में हमने इस पुतले की पहचान करने के लिए नाम टेक लिया फलाना। इस नाम तना तो कल्पना के मात पिता, कल्पना का सुतदारा, कल्पना के लक्ष्मी चंद्र, कल्पना का जग सारा। पाछा के मोर थे आज के मोर बन जाएंगे, तो आना जाना लगे ही रहता। ये तो हमने इस दुनिया में इस पुतले को इस नाम से जाना जाएगा, हमने नाम टेक के। आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, कौन देखे है भीतर बैठा को और देखे सर और सुनो सर कदे इसका घमंड हो। आज जो ब्रह्म चेतन है, आज जो हमारी चेतना जागृत, कर्मों के अनुसार ये खोल मिली है, इसमें चेतना है ब्रह्म जागृत, कर्मों के अनुसार यह खोल गधे की बन जाएगी। पर यो जो ज्या चेतना न्यू की न्यू उसमें भी आई रहेगी, या कुत्ते की, बिल्ली की, लोमड़ी की, भालू की, या खोल बदल जाएगी। पर यो जो चेतना है, जो ब्रह्म है, यो उसमें भी न्यू का न्यू जागृत से जिस आज से ये टड़का नहीं है, या तो न्यू का न्यू होता रहेगा। है सजनो, दुनिया की हर एक मशीनरी इंसान को देख कर बनाई, ईवीओ भंडारा कर रखा जाए, कोई ब्याह शादी करे है, टिक्के धर के टमटू मर भाजा जा शहर में, फिर न्यू कैसे भाई टमाटर पे सुहानी से, पालक पे सुहानी से, न्यू को वो पीसगा वो ला रहा मशीन, फिर न्यू कह भाई मसाला पे सुहाना, दाल पे सुहानी से, न्यू कहेंगे ओ ला रहा है चाकी बोला वो पीसगा। है सजनो, राम ने इन मानस में एक चाकी सी ला रखी, मां टमाटर गेर दो, पालक गेर दो, दाल गेर दो, मसाला गेर दो, खाटा गेर दो, मीठा गेर दो, थरी एक शरम गेर दो, पानीपत नंबर एक गेर दो, मैग डोल गेर दो, चम्म गेर दो, एक चाकी सी सब क्या है ना फफेड़ गेरा सी ना, और क्या है की जरूरत ना। सारी मशीनरी इसने देख कर बनाई। और देखे मानस तो सो भी जा है और सांस फिर भी चल रहा है, हर एक इंद्रिय आराम करने के लिए चली जाती है, धड़कन फिर भी धड़क रही है, सांस फिर भी चल रहा है, कोई मोटर तो चालू है जो सांस न चला रही है, और ना मानस और सांस चल रहा, कोई मोटर तो चालू है। और जब हम मोटर बढ़ जाए तो एक हफ्ता खाते रहे, हाँ फिर खा लो भंडारा। मशीनरी है घने काम तो राम ना अपने हाथ में रख लिए ना, इतने ऊंची से घन खरे मर जाए न्यू देखने में, दिखाई ना डाट के देखू तो राम ने बेरा था भाई, इतने ऊंचिया तो यो काम देना नहीं, यो काम सांस लेना, धड़कन धड़कनी, ये राम ने अपने दोहरा रख लिया चार्ज क्या। और ये 600 रुपए से 50 रुपए सभी का बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। ये पवन भाई 100 रुपए शोर मान सम्मान करते हैं, काफी नाम पहले बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। ये भी अतरज बारी है, कौन बोल रहा कौन सुने मेरे नहीं समझ में आ रही है, कौन बोल रहा कौन सुने मेरे नहीं समझ में आ रही है। इस सांस का आना जाना रे देखो, सांस का आना जाना देखो, 24 घंटे जारी है, सब के मपीस, सब के मपीस, गरिया चाकी न किसे पाने पाप के नारी है, सब के मपीस, गरिया चाकी न किसे पाने पाप के नारी है। एक मिनट भी रुकता कोना, एक मिनट भी रुकता कोना, इसका काम पेशाई का, झूठी बोल बना, वक्त लकड़ क्या ज्ञान होया।
बता दी तेरे को बताऊं और तुम को बताऊं। ये हमारे नौजवान साथी हैं भाई, 100-100 रुपए से और मान सम्मान सजाई करते हैं, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद बलवान जी, 100 रुपए से और मान सम्मान सजाई करते हैं, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आदनी श्री रामफूल जी 200 रुपए से मान सम्मान सजाई पार्टी करते हैं, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। ये माशा जी संजय जी बहुत सुंदर शानदार प्रस्तुति आपके मध्य दी है, 100 रुपए से और मान सम्मान सजाई करते हैं, बार बार धन्यवाद। आदनी श्री भगवान जी 100 रुपए से मान सम्मान सजाई करते हैं, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद धन्यवाद। अब सवाल आता है सजनों कि ईश्वर कहाँ, ईश्वर कहाँ है जो सुबह भी जिक्र था कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च जो बनाए जाते हैं, न्यूवा बनाए जा को नास्तिक आदमी हो वो न्यू का दे कड़े से भगवान उसका हाथ पकड़ के ले जाके न्यू दिखा दे, देख रहे आराम खोर अड़े रहे भगवान ऊंचा सवालदार चोड़ी जगह देखो उसका न्यू जच जाड़ रहता होगा। वो ही सवाल है क्या भगवान उस चार दीवारी में रहते हैं, चार दीवारी तो बाहर भगवान नहीं, अरे जैसे बासण का तड़े एक मटके के नीचे रेस रेस का बूंद टपके अगर पानी की, ऐसे ही परमात्मा से एक टपकी हुई बूंद ही है आत्मा है, और इस आत्मा को उल्टा उस परमात्मा में ही मिलाना है, इतना ही खेल है। शरीर की सबसे सुंदर और स्वच्छ जगह ये है, यहीं परमात्मा रहता है, यहीं से सूरत चल के संत लोग यहाँ दसवां दरवाजा बोलते हैं, या सूरत अड़े तर अड़े तालनी से, इतना ही उद्देश्य है और उद्देश्य भी नहीं क्या। साकार के अंदर निराकार साकार के अंदर निराकार साकार के अंदर यकाया नाम धराए रही मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में या दुनिया ढोल बजाए रही मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में दुनिया ढोल बजाए रही हुआ दुनिया में ओ मन का राज होया दुनिया में सृष्टि धोखा खाए रही ये बुद्धि रूप स्वार्थ का उसे या खुद का स्वार्थ चाहे रही बुद्धि रूप स्वार्थ का उसे खुद का स्वार्थ चाहे रही अरे सच्चा ज्ञान कहा संतों ने ओ सच्चा ज्ञान कहा संतों ने इस सुरता की चतुराई का ज्ञान होया जीवन की सच्चाई का झूठी बोल बजाई का ज्ञान होया जीवन की सच्चाई को जी 100 रुपए और देते हैं, बार बार धन्यवाद, और खेल रत्न से सम्मानित माननीय आप है चौटाला जी 100 रुपए से और मान सम्मान सजाई करते हैं, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। आखिरी गली में ओए सच्चा सतगुरु आप मेट दे ओ सच्चा सतगुरु आप मेट दे अज्ञान अंधेरे काले पग पग पे मेरी दया लई मेरे सत प्रकाश रुखाड़े ने पग पग पे मेरी दया लई मेरे सत प्रकाश रुखाड़े दादा जगन्नाथ की मेहर फेरी दादा जगन्नाथ की मेहर फेरी
दया तोड़ कर्म के ताले में फिर चरण पकड़ के कलम उठा ली विकास बहासुर आड़े में चरण पकड़ के कलम उठा ली विकास बहासुर आड़े में रैया सुरती देख यो चित चेतावे मेरा खाली काम लखाई का जीवन की सच्चाई का